कोविड टेस्ट हो चुके हैं साढ़े टीचर्स का, सारे टीचर साढ़े उत्थे नैगेटिव आए ने। स्कूल दे विच इस तरह के कोई केस निकलते हैं वो अपने टीचर्स या बच्चे अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन कर लैन। 2021 ते 2022 सैशन स्टार्ट होना, वो सैशन से बहुत माड़ा असर पैना। बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चों हले भी स्कूल नहीं भेज रहे करोना के डर। ब्रांचा ने कोविड का जोड़ा दौर आ हूँ फिर दुबारे वह कितना कितने पीक वाल जा रहा वा, जिस तरह के केस देखने मिलते हैं थां थां ते जिहड़े रोज़ आ रहे वा भी इन्ने केस वध गए जां इन्ने डैथ हो गई ते इन्ने पेशेंट आ रहे ने, कि थोड़े स्कूल दे विच इस चीज़ नूं लै के कोई टीकाकरण जां कोई वैक्सीन जिहड़ी आ बच्चे नूं दित्ती गई आ जां हजे कोई प्लैनिंग है इदां दी? देखो सर, अगे जे सानू कोई हुक्म आउंदा हुंदा बोर्ड वल्लों जां डीसी ऑफिस वल्लों, सानू ईमेल आ जांदी हुंदी साडे स्कूल दी ईमेल ते, जां पंजाब PSEB.AC.IN ते उन्हां दे वैबसाइट ते नोटिस अपलोड कर दिता जांदा। इस तरह का कोई भी नोटिस सानू नहीं मिले हाले तक, ठीक है। बट साडियां तीन ब्रांचिस दे विच्चों एक ब्रांच दे विच्च कोविड टेस्ट हो चुके आ साडे टीचर्स दा, सारे टीचर साडे उत्थे नैगेटिव आए ने, ते दो ब्रांचिस दे विच्च हाले रहिंदा। मे बी ये फ्लो नाल चलता शायद साडा टाइम साडी टाइम लेट आऊगा, है ना। तो जिहड़ा कोविड वध रहा वा वह कोविड वधण, कोविड तो पहला ही लोगों वो तो जो टैसट किया उदो पता लगे भी हाँ जी इन्हों करोना है या नहीं है, वो तो टैसट ही नहीं होया सी पहला। अपां किसी नू किसी भी इंडिविजुअल नू तां कह सकते हैं उन्हों कोविड है या नहीं है जदों तक वह टैसट नहीं होंदा, ठीक है। दूसरी गल यह है जी, जे किसी स्कूल दे विच इस तरह के कोई केस निकलते हैं वो अपने टीचर्स या बच्चे अपने आप को सैल्फ क्वारंटीन कर लैन, तो जिहड़े उन्हां दे कॉन्टैक्ट दे विच आए ने वह भी थोड़े दिन लिए अपने आप को सैल्फ क्वारंटीन कर लैन। बट सारे स्कूल्स से यह फैसला जिहड़ा जां इदां दी आपां न्यूज़ भी सुणदे हाले तक कोई आपां नूं कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तां नहीं हुई हैगी ना आपां नूं कोई ईमेल आई है, बट न्यूज़ दे विच जो सुणदे आ सारे स्कूल्स नहीं बंद करने चाहिए ना। कमिंग ईयर हुण मार्च दे विच 2021 जिहड़ा अकैडमिक ईयर कंप्लीट हो रहा, यह ईयर कंप्लीट होने तो बाद जदों अप्रैल दे 2021 ते 2022 2021 ते 2022 सैशन स्टार्ट होना, वो सैशन ते बहुत माड़ा असर पैना। अद्धे पेरेंट्स अपने बच्चों नूं हले भी स्कूल नहीं भेज रहे करोना के डर, वो डरते हैं हले कि डर उन्होंने मन च हजे भी हैगा वा, पर बच्चे की जिहड़ी पढ़ाई खराब होंदी आ उहनूं देखदे होए कितना कितना भेज भी रहे ने। ज़्यादा पेरेंट्स जिहड़े ने अंदरों जरूर डरे हुए हैं पर बच्चे की पढ़ाई करके भेज रहे। जे सर मैं गल करा तो जिहड़े तुसीं कह रहे हो भी साडी ब्रांच दे विच इंजैक्शन लगे ने कोविड की जिहड़ी दित्ती गई है मेडिसिन, की उहदे नाल कोई साइड इफेक्ट सामने आया कोई जां उहदा रिजल्ट जिहड़ा पॉजिटिव आया? नहीं सर, साडी दूसरी ब्रांच दे विच इंजैक्शन नहीं लगे, सिर्फ कोविड टेस्ट होए ने। हाँ जी, ठीक है, कोविड टेस्ट होए ने। वैक्सीन बारे कोई नहीं, वैक्सीन बारे तो आपां ऐप दे उपर जाके करना अपने आप नूं रजिस्टर, है ना। सो मैं ये गल कर रहा सीगा कि जे कोई बच्चा इदां दा कोई केस आ जांदा किसी भी जगह दे उपर वो अपने आप नूं क्वारंटीन कर लैण, ये आइडिया बैटर आ। बट जिहड़े पेरेंट्स डर रहे ने कितना कितने जायज़ ने वो कि बच्चे नूं करोना ना हो जाए, अजकल बच्चे भी एक एक दो दो बच्चे हुंदे ने सारे नूं अपने बच्चे प्यारे ने, तो द थिंग इज बट जे वो बच्चा मास्क पहन के आए अप सोशल डिस्टेंसिंग एक्सपीरियंस करे तो अपने आप कोई इस तरह की गल नहीं हैगी स्कूल दे। हुण आपां जे देखिया जाए जिहड़ा बच्चा घरे बैठा डर दे मारे वह स्कूल नहीं आ रहा, कि वह बच्चा घरे ही बैठा बाहर नहीं जा रहा कितने, कि वह बच्चा अपने मार्केट नहीं जा रहा? नहीं, चलो वो सारा घूमता। जे आप गल करिए थोड़े स्कूल दशमेश पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल वालों जिहड़े बच्चे थोड़े को आते हैं पढ़ने वास्ते, तुसीं अपने वालों की प्रिकॉशनस दे रहे हो उन्होंने ता जो कि जिहड़ी यह बीमारी है जिहड़ी वध ना सके? असीं सर अपने स्टूडेंट्स नूं सवेरे असैंबली दे विच भी एंड फ्रीकुएंटली क्लासिस दे विच भी यह याद करवाने रहे ने दैट यू हैव टू वेयर योर मास्क, मास्क हमेशा पहन के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग का एक्सपीरियंस करो, एक एक बेंच छड के बैठो, जे दो बेंच दे दो सीटा वाला तीन सीटा वाला बेंच भी आ उत्थे भी सिर्फ एक बच्चा बैठो। इदां दीआं गल्लां आपां एक्सपीरियंस करांगे, आपां ध्यान रखांगे, सारी सारी दुनिया इदां कर रही आ। ईवन कि आपां नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ की गल करिए उत्थे भी लोग इदां ही कर रहे हैं, ठीक है। सो य चीज़ा आप एक्सपीरियंस करिए, चीज़ा आप करिए अपनी डेली लाइफ के आसानी नाल मास्क पहन के रखो ऑलवेज, ठीक है। सो आप अपनी ही सेफ्टी अपने आप रखो, इस तरह नाल आपां बचे आप करोना तो भी बच सकते हैं। अते बाकी होर जिहड़ा आप बिजनेस दे विच
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੱਗ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਸਕੂਲ। ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਵਰਤ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲਜੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੋਰੀ। ਅਤੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟੋਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵੀਰ ਬੰਟੀ ਨਾਲ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।